वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बारे में हम सब ने सुना है और हम सब जानते हैं कि कैसे दो विश्व युद्धों की वजह से पूरी दुनिया में तहलका मच गया था और इन दोनों युद्धों में न जाने कितने लाखों लोग मारे गए थे। उस खौफनाक मंजर के बाद भी क्या आप जानते हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ एक फोन कॉल दूर था। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ एक व्यक्ति की सूझबूझ और उस समय के लिए सही निर्णय की वजह से आज ये देश, ये दुनिया एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता तो सब कुछ खत्म हो जाता और सब देश 100 साल पीछे हो जाते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान का चिराग में, जहां हम ऐसी कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्स की जिनकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध होते होते बच गया था। इस महान हस्ती का नाम था स्टैनिस्लेव येवग्राफोविच पेट्रोव, जो 1983 रशियन डिफेंस टीम का अहम हिस्सा थे। रशियन आर्मी की इस टीम का काम था सैटेलाइट्स के सिग्नल को मॉनिटर करने का। 1983 में जब स्टैनिस्लेव येवग्राफोविच पेट्रोव हर रोज की तरह अपनी कुर्सी पर आकर सिग्नल्स को मॉनिटर कर रहे थे और अलार्म्स पर कड़ी नजर रखे हुए थे, तभी उन्हें स्क्रीन पर एक चौंका देने वाली चीज दिखाई दी। उन्हें मॉनिटर पर दिखाई दिया कि एक न्यूक्लियर मिसाइल रशिया की तरफ आ रही है, और फिर तभी उन्हें मॉनिटर पर दिखाई दिया कि एक नहीं बल्कि 5 न्यूक्लियर मिसाइल रशिया की तरफ आ रही थी, और वो भी अमेरिका की तरफ से। तभी मॉनिटर पर इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगा था। अगर सच कहें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा होने की शंका सबको थी, क्योंकि अमेरिका और रूस हर समय एक दूसरे को टक्कर देने में लगे रहते थे। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर खुद को पूरी दुनिया से सबसे ताकतवर साबित कर दिया था, ये बात रूस से हजम नहीं हुई तो बराबर की टक्कर देने के लिए रूस ने भी न्यूक्लियर वेपन तैयार किए। इतनी ग्रोथ के बाद या तो अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहे, साइंस स्पेस एक्सप्लोरेशन, बेहतर हथियार बनाने और ग्लोबल एक्सप्लोरेशन करने के लिए दोनों देशों में रेस लग रही थी। सालों की मेहनत के बाद दोनों देश इस काबिल थे कि एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने के लिए, और अमेरिका के पास एक और रीजन था रूस पर अटैक करने के लिए। मॉनिटर पर इमरजेंसी अलार्म बजने वाले दिन से कुछ ही दिन पहले ही सोवियत यूनियन के एक फाइटर प्लेन ने कोरियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो शोल से न्यूयॉर्क की तरफ जा रही थी उसको शूट आउट कर दिया गया था, क्योंकि वो फ्लाइट सोवियत यूनियन के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गई थी। उस फ्लाइट के शूट आउट में बहुत पैसेंजर्स मारे गए थे जिनमें से 69 अमेरिकी थे। अब स्टैनिस येवग्राफोविच पेट्रोव को मॉनिटर पर दिखाई दे रहा था कि 5 मिसाइल्स उनके देश को खत्म करने के लिए बढ़ रही थी, और वो सोच रहे थे कि अपने सुपरवाइजर को फोन करके क्या कहेंगे। अगर स्टैनिस्लेव येवग्राफोविच पेट्रोव अपने सुपरवाइजर से कहते कि अमेरिका ने रूस पर हमला किया है, तो उस वक्त रूस भी अमेरिका पर हमला बोल देता, और हम सब जानते हैं जंग कितने खौफनाक मोड़ ले सकते हैं। और अगर वो उस अटैक को इग्नोर कर देते और वो सच में अमेरिका की तरफ से हमला होता तो ना जाने कितने लोगों की जानें चली जाती। कुछ मिनट गहरी सोच में जाने के बाद स्टैनिस्लेव येवग्राफोविच पेट्रोव ने अपने सुपरवाइजर को फोन मिलाया और उनसे कहा कि एक फॉल्स अलार्म है। स्टैनिस्लेव येवग्राफोविच पेट्रोव ने ये कर तो दिया था, लेकिन बहुत डरे हुए भी थे कि कहीं उनका ये फैसला गलत न हो। सुपरवाइजर से बात किए जब 25 मिनट हो गए थे, तब जाके स्टैनिस्लेव येवग्राफोविच पेट्रोव को चैन आया, क्योंकि अगर सच में कोई अटैक हुआ होता तो अब तक उसकी खबर आ गई होती। अगर कोई अटैक हुआ ही नहीं तो वो अलार्म क्यों बजा? दरअसल जो सैटेलाइट्स इन अटैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेस में भेजी गई थी, उन्होंने बादलों पर पड़ती सूरज की तेज रोशनी को मिसाइल बताया था, जबकि अमेरिका की तरफ से कोई हमला हुआ नहीं था। इसमें गलती उस सैटेलाइट को बनाने वाले कोडर्स की थी। इस सीरियस इंसिडेंट के बाद सारे कोड्स फिर से लिखे गए और सैटेलाइट्स की सारी कोडिंग फिर से की गई ताकि ऐसे हादसे दोबारे न हो। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैनिस्लेव येवग्राफोविच पेट्रोव ने पूरी दुनिया को बचाया, इसके बाद तो सब उसकी जय जयकार कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि स्टैनिस्लेव येवग्राफोविच पेट्रोव से कुछ सवाल पूछे गए और बस वो बात वहीं खत्म हो गई। पेट्रोव रिटायर होने के बाद आलू की खेती करने लगे और एक आम जिंदगी जी रहे थे। कुछ सालों बाद यूरी वकुंतसेव का जब मेमवा पब्लिश हुआ तो उसमें इस घटना के बारे में बात की गई थी। वहां से फिर लोगों को पता चला कि ऐसा ही कुछ हुआ था और स्टैनिस्लेव येवग्राफोविच पेट्रोव ने अपने सूझबूझ से कैसे पूरी दुनिया को बचा लिया था। ये जानने के बाद स्टैनिस्लेव येवग्राफोविच पेट्रोव को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई,
जिसका नाम था द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। स्टैनिस्लेव ग्राफोविच पेट्रोव ने अपनी लाइफ का पर्पस बखूबी पूरा किया और 19 मई 2017 में उनका देहांत हो गया। कैसे उस पल में उनके लिए गए निर्णय ने पूरे विश्व की नियति ही बदल दी। स्टैनिस्लेव ग्राफोविच पेट्रोव के साहसी काम के लिए आप उन्हें क्या टाइटल देना चाहेंगे, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर करना ना भूले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।